हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं हेल्प सीज यूट्यूब चैनल। आइए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले हमको जिस भाग का भी स्क्रीनशॉट लेना होता है उसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हमको इस भाग का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ओपन कर लिए, और उसके बाद कीबोर्ड पर जो बटन दिया गया है प्रिंट स्क्रीन SYSRQ, जो बैक स्पेस बटन के ठीक बगल में है, उसे एक बार प्रेस करेंगे। एक बार उसे प्रेस करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो ओपन हो जाए तो Ctrl+V बटन को प्रेस करेंगे। Ctrl+V बटन को प्रेस करते ही जो स्क्रीनशॉट हम लिए थे वो यहाँ आ जाता है। उसका साइज हम यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए Ctrl+S बटन को प्रेस करेंगे। और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सेव हो जाता है। यदि आप इसे PDF में सेव करना चाहें तो पुनः मेन्यू बटन पर क्लिक करें, सेव एज पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट्स का कोई नाम दें और यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें, PDF को सिलेक्ट करें, स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर टिक रहने दें और सेव बटन पर क्लिक करें। ये PDF में सेव हो गया। यदि आप इसे JPEG में सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+P बटन को प्रेस करें। सेंड टू नोटपैड पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाता है। जब ये नोटपैड में ओपन हो जाए तो नोटपैड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, नीचे जो दिया आ जाता है, और यहाँ राइट क्लिक करें, सेव एज पर क्लिक करें। ये JPG फोल्डर में आ चुका है, JPG फाइल में आ चुका है। अब इसका एक नाम दें और सेव पे क्लिक करें। ये JPG फाइल में सेव हो चुका है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लेने से एक बार में पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम स्क्रीनशॉट का कुछ ही भाग का स्क्रीनशॉट लें तो इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और स्पिनिंग टूल पर क्लिक करें, जिसमें कैंची का निशान दिया होता है उस पर टिक करें। अब न्यू पर क्लिक करें। अब जिस भी भाग का स्क्रीनशॉट लेना हो उतना भाग को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते ही ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। सेव करने के लिए फाइल बटन पर प्रेस करें, सेव एज पर क्लिक करें। फाइल का यदि कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दें। JPG फाइल पहले से सिलेक्ट होता है, सेव पर क्लिक करें। ऐसा करते ही ये JPG फाइल में सिलेक्ट हो जाता है, सेव हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।